हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेचर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बस बढ़िया। उम्मीद कर रहा हूं लास्ट चैप्टर मतलब कि लास्ट लेक्चर एक ही लेक्चर में हो गया था, आप लोगों ने देख लिया होगा और काफी सारी बातें उससे सीखी होंगी। आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, लेक्चर नंबर 9, हाइपोग्लाइसेमिक के लिए। इसको भी हम लोग एक ही लेक्चर में निपटा देंगे, बहुत ज्यादा नहीं है, कोई बेसिक बातें समझनी है और ये चैप्टर एक ही बार में कवर हो जाएगा। क्लियर है? तो थोड़ा सा समझ ले, हाइपो मैं पहले बता चुका हूँ, हाइपो का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाइपो। हाइपो हाइपर है ना, ये सब सुनते रहते हो, हाइपो हाइपर सुनते हो कि नहीं सुनते हो? अरे हाँ ना बोल दो, सुनते हो कि नहीं सुनते हो? हाइपो हाइपर, हाइपो मतलब जो चीज कम होती है, ग्लाइसेमिक यानी कि ग्लूकोज से, है ना, मीठे से मतलब है जो ग्लूकोज को कम करे, समझ गया ना? यानी किसकी बात होने वाली है? गुड, डायबिटीज की बात होने वाली है ना, मधुमेह, हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग उसे, मधुमेह कहते हैं ना, इसी की बातें होने वाली हैं। और जिन लोगों के घरों में डायबिटीज की पेशेंट्स मौजूद हैं, उनके दादा दादी या फादर मदर, वो लोग तुरंत जाके चेक कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। बहुत ज्यादा है, पहले वाला अगर कोई इंजेक्शन ले रहा है तो अलग बात है, अदरवाइज टैबलेट जो लोग खा रहे हैं, ग्लिप्राइड, मेटफॉर्मिन, ठीक है ना, पायोमेटाजोन, ये तीन बड़ी कॉमन है, अक्सर डॉक्टर यूज करते हैं इसको, तुरंत चेक कर सकते हो, ये तीन मिल जाएंगी, कौन कौन सी, मेटफॉर्मिन और पायोमेटाजोन, और एक कौन सी बता रहा था मैं, ठीक है, एक है हमारे पास ग्लिबेक्लेमाइड, ठीक है। तो स्टार्ट करें तो ऑब्वियसली बात है, समझ में आ गया होगा हम लोग किसके बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग कहीं ना कहीं डायबिटीज की रोकथाम की बात करेंगे दवाइयों की मदद से। तो आओ देखते हैं, समझते हैं क्या होते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। एजेंट्स यानी कि जो काम करेगा, एजेंट्स दैट डिक्रीजेस द लेवल ऑफ ग्लूकोज, वो एजेंट जो ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज कर देंगे, कहां पर, ब्लड में डिक्रीज करेंगे, कहां डिक्रीज करेंगे, ब्लड में, ठीक है ना, डिक्रीजेस द लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड एंड आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस या मेलिटस, ठीक है ना, डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, इसकी रोकथाम के लिए क्या होता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो बात समझ में आ गई, होता क्या है बच्चों, देखो बात में बता दूं, जैसे हम खाना खाते हैं, हमारा खाना अल्टीमेटली किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज में। हम लोग जो भी खा रहे हैं, क्या खाते हो, चपाती, रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, आलू खा रहे हो, दाल खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, दाल क्या टूट जाएगी अल्टीमेटली अमीनो एसिड्स में, लेकिन रोटी रोटी तो खाते ही हो, चावल खाते ही हो, ये सब के अंदर क्या मौजूद है, इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, समझ लो बात को। कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीमर होता है, कई सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ, सबसे छोटा मॉलिक्यूल जो बार बार जुड़ जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दे, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट बना होता है एक्चुअली किससे, ग्लूकोज से, किससे बना होता है, ग्लूकोज से, है ना। तो बहुत सारे, मैं अगर ऐसा कर दूं, एन ग्लूकोज मिलकर के क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट जो हमने रोटी के रूप में खाया वो टूट टूट के, यानी कैश में कार्बोहाइड्रेट कहां मौजूद है, हमारी चपाती यानी कि रोटी में, हमारे चावल यानी कि राइस में, ये अल्टीमेटली किसमें टूटेंगे, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज के रूप में ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब होता ये है कि हमको जितनी ग्लूकोज की जरूरत होती है हम तुरंत इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसके ऊपर इंसुलिन काम करती है हमारी बॉडी में, ठीक है, सब पढ़ेंगे अभी, थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूं, उस ग्लूकोज के ऊपर इंसुलिन काम करती है और ले जा करके लीवर में और मांसपेशियों में ले जा करके इस ग्लूकोज को क्या करती है, स्टोर करवा देती है, ठीक है। ग्लूकोज अल्टीमेटली स्टोर हो जाता है जाकर के लीवर सेल्स के अंदर, किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। अब मान लो सुबह खाना खाया, दोपहर में खाना नहीं मिला, है ना, तो क्या हुआ, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, ये ग्लाइकोजन वापस टूट जाता है किसमें, ग्लूकोज में, और हमको एनर्जी देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो यही है सारी कहानी, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ग्लूकोज में, हमारी बॉडी में ग्लूकोज किस रूप में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। तो आओ देख लेते हैं, छोटी सी कहानी थी यहाँ पर, ठीक है। तो बात करते हैं डायबिटीज क्या है, डायबिटीज मतलब मधुमेह, ठीक है ना, हिंदी में कहते हैं मधुमेह कहते हैं, डायबिटीज मेलिटस कॉमनली नोन एज डायबिटीज, मतलब डायबिटीज मेलिटस जो होती है उसी को कॉमनली हम लोग क्या बोल देते हैं, मधुमेह बोल देते हैं या डायबिटीज बोल देते हैं सिंपली, ठीक है। इट इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक की हिंदी उपापचय, लिख दिया क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता है, हिंदी पता है, उपापचय यानी कि अल्टीमेटली वो क्या रहा, हमारी बॉडी, अगर गौर से सोचो बच्चों, ध्यान से देखो, हमारी बॉडी में
दुनिया भर की रिएक्शंस हो रही है, दुनिया भर की रिएक्शंस हो रही है। अभी मेरी आंखों में लाइट जा रही है, आंख के अंदर रिएक्शन हो रही है, सेंस अंदर जा रहा है, ठीक है ना। मैं सोच रहा हूँ, रिएक्शन हो रही है। मैं बोल रहा हूँ, एटीपी के बॉन्ड टूट रहे हैं, रिएक्शन हो रही है। हमारी बॉडी अच्छा खासा रिएक्शन का भंडार है, और वो सारी रिएक्शंस मिलकर के क्या कहलाती है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है, या मेटाबॉलिक प्रोसेस कहलाता है। इन प्रोसेस में जब गड़बड़ हो जाएगी, इट इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहता है। इन प्रोसेस में अगर गड़बड़ हो जाए, ठीक है ना, तो और कैरेक्टराइज बाय हाई ब्लड शुगर, मतलब इन प्रोसेस में कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाएगी जिसकी वजह से ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, ओवर है प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, होता है ऐसा कई बार, हम मान लो अचानक बढ़ा और फिर अपना नॉर्मल हो गया तो ठीक है, लेकिन वो बढ़ के रह गया है और लंबे समय तक बढ़ा ही हुआ है तो बीमारी है। ये नहीं कि बहुत सारा मीठा खाया, ऑब्वियसली बात है, उसके बाद चेक करोगे तो ग्लूकोज लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ आ सकता है, लेकिन वो बढ़ोतरी लंबे समय तक रह जाए, ठीक है, महीना, दो महीना, छह महीना, तो समझ लो कि डायबिटीज के शिकार होना शुरू हो गया है वो इंसान, ठीक है। कैसे पहचानेंगे, क्या सिम्टम्स है कि डायबिटीज हो गई है? तो सबसे बड़ा सिम्टम क्या है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। उस इंसान को बार बार पेशाब आएगी, यूरिनेशन की हिंदी लिख लो, बार बार टॉयलेट का आना, ठीक है ना, बार बार टॉयलेट का आना, वो बार बार जाएगा टॉयलेट, ठीक है। इंक्रीज थर्स्ट, उसकी प्यास भी बढ़ जाएगी। देखो उल्टी बात, ऑब्वियसली बात है, पेशाब बहुत ज्यादा आएगी तो प्यास करना स्टार्ट हो जाएगी। इंक्रीज एपेटाइट, उसकी भूख, एपेटाइट मतलब भूख, उसकी सॉरी उसकी भूख भी बढ़ जाती है। ये तीन मतलब सबसे बेसिक सिम्टम्स है जो इंसान समझ के पहचान सकता है अदरवाइज, ठीक है ना। और भी कई सारे लक्षण होते हैं, टायर्डनेस, थकान आती है, कई सारे लक्षण और भी है, बट ये तीन बड़े कॉमन से सिम्टम्स हैं। अगर ये लगातार बना हुआ है, लगातार, अब भूख तो सबको लगती है, ये नहीं कि एक बार लगी है, लगातार महीने दो महीने लगातार भूख बहुत लग रही है, प्यास बहुत लग रही है, पेशाब रोज दिन में बहुत ज्यादा जाने लग रहा है अचानक से, तो समझ जाओ कहीं ना कहीं कुछ बातें गड़बड़ है। ओके, इफेक्ट ऑफ डायबिटीज ऑन बॉडी, तो देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। तीव्र कॉम्प्लिकेशन, आखिरकार डायबिटीज, ग्लूकोज बढ़ रहा है हमारी बॉडी में, अच्छी बात है, ताकत मिल रही है, गलत बात, हमारी बॉडी में बहुत सारे इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं। देखो क्या लो, एक्यूट, एक्यूट होता है ना, एक्यूट तीव्र, बहुत ज्यादा खतरनाक, मतलब एकदम तेजी से, तीव्र मतलब बहुत तेज क्षमता से। कॉम्प्लिकेशन मतलब दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। आखिरकार डायबिटीज से दिक्कतें क्या है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं, ये तो होगी कॉमन सिम्टम, दिक्कतें क्या क्या आएगी। सबसे पहली दिक्कत, कीटो एसिडोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या मतलब है इसका, मींस बॉडी प्रोड्यूसेस हाई लेवल ऑफ ब्लड एसिड, ब्लड में एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना होता है, लगभग 7.3-7.4 के आसपास, और ये पीएच वो कहते हैं हाई लेवल ऑफ ब्लड एसिड, ठीक है ना। एसिड बढ़ेगा तो पीएच गिरेगा, ठीक है ना, पीएच क्या होता है, 1 से लेके 7, ये एसिडिक है तो नॉर्मली कितना होता है, 7.4 के आसपास रहता है। ये डिक्रीज करने का, पीएच की वैल्यू डिक्रीज करने का मतलब क्या है, ब्लड के अंदर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहे हैं, बात समझते हैं ना। अच्छा, वो एसिड किस रूप में आ रहे हैं, कीटोन, सुना ना, फंक्शनल ग्रुप कीटोन। कीटोन बॉडीज बॉडी के अंदर बढ़ने लगती है ड्यू टू लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इसके बढ़ने का कारण क्या होता है, हमारी बॉडी में इंसुलिन, समझेंगे अभी, इंसुलिन है ना अल्टीमेटली, क्या देखो लोग इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए, पूरी प्रोसेस इंसुलिन की समझ में आ जाएगी। फिलहाल बात समझते हैं कि बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज बनना पैदा हो जाएंगी। दूसरा, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, क्या मतलब है, मींस सीवियर हाइपरग्लाइसेमिया, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन, बॉडी से पानी बहुत कमी हो जाएगी, हाइपरग्लाइसेमिया मतलब बॉडी ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। हाइपर ऑस्मोलर प्लाज्मा, प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी ज्यादा हो जाएगी, एंड altered consciousness और death, even जो हमारी consciousness है ना, मतलब जो हमें चेतना वाली सोचने की क्षमता है, सोचने समझने की, वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो सकती है, और यहाँ तक कि death भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है, डायबिटीज कितनी खतरनाक है, इसीलिए इसको हल्के में ना लें, ठीक है, भारी पड़ जाएगा। सीरियस लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन की बात करें, यह है तुरंत वाले एकदम तीव्र कॉम्प्लिकेशन, लॉन्ग टर्म लंबे समय से चला आ रहा था, क्या क्या दिक्कत आना स्टार्ट हो, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बड़ा हुआ है, तो क्या दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, इंसान मरेगा तो नहीं लेकिन उसके हार्ट पे असर पड़ेगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज पैदा हो जाएंगी, हार्ट में बॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब डायबिटीज भले ही मरे ना मरे,
हार्ट के प्रॉब्लम से जरूर मर जाएगा वो। स्ट्रोक, स्ट्रोक क्या होता है? व्हेन द ब्लड सप्लाई टू पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इंटरप्टेड, मतलब होता क्या है, हाई सोर लेवल की वजह से क्या होता है, ब्रेन के किसी पार्ट में ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी। अब ब्लड की सप्लाई रुक गई तो ब्लड सारे काम करता है, ऑक्सीजन लेके जाएगा, खाना लेके जाता है सेल्स के लिए, टिश्यूज के लिए, वो सब रुक जाएगा, ब्रेन सेल डेड होना स्टार्ट हो जाएंगे ना। वो मार सकते हैं, पैरालिसिस मार सकती है, लकवा मार सकता है, ऐसी कंडीशन में काफी सारी चीजें दिक्कतें और आ जाती है। और क्या कह रहा है, व्हेन द ब्लड सप्लाई टू पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इंटरप्टेड, मतलब डिस्टर्ब हो गया और रिड्यूस मतलब कम हो गया, प्रिवेंटिंग ब्रेन, ब्रेन के टिश्यूज को प्रिवेंट कर रहा है, किससे रोक रहा है, प्रिवेंट करने मतलब रोक रहा है फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। जब ब्लड की सप्लाई कम हो गई है तो ब्रेन के टिश्यूज जो होते हैं वो उनको खाना पीना मिलना बंद हो गया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक। ओके, क्रोनिक किडनी डिजीज, किडनी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, है ना, बारो पेशाब आ रही है, बहुत सारी दिक्कतें और आती हैं, किडनी पेशाब से भी ग्लूकोज आना स्टार्ट हो जाता है, फुट अल्सर, पैरों में अल्सर होना स्टार्ट हो जाते हैं, डैमेज टू नर्व, हमारे नर्व्स तक डैमेज हो सकती है, नर्व है ना हमारे, मतलब जो हाथों में झंझनाहट वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, कमजोरी कमजोरी चलने लगेगी, डैमेज टू आई, आंखें भी खराब हो सकती है, हम लोगों ने डिस्कस किया पहले भी। कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, हमारी सोचने समझ, हम लोग कहना मतलब कोई काम आता है तो तुरंत सोचते हैं काम, जैसे मान लो तुम्हें कोई ठगने की कोशिश कर रहा है तो तुम अपना दिमाग लगा देते हो, यार ये तो ठग रहा है ना, पूरा दिमाग लगा देते हो, ये दिमाग लगाने की क्षमता तुम्हारी कम हो जाएगी, कि कोई चीज सोच समझ के काम करने की क्षमता, मतलब सोचने समझने की क्षमता पे हमारी असर पड़ेगा, सीधी सी बात है, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट मतलब उसमें तालमेल खत्म हो जाएगा, किसमें, हमारे सोचने, सोच समझ के काम करने में जो तालमेल बन रहा हमारा, हमको सोच रहे अच्छा मैं वहां जाऊंगा तो वहां पे ऐसा होगा, फिर ऐसा हो जाएगा, ये तालमेल नहीं कर पाएंगे हम लोग, बात समझ में आई। तो हमने यहाँ पर क्या देख लिए, इफेक्ट कि बॉडी पर हमारे इसके क्या क्या असर पड़ रहे हैं, ठीक है, तभी तो समझ में आएगा कि डायबिटीज का मतलब क्या है, बात समझ में आ रही है, क्यों खतरनाक है, कॉज एंड टाइप्स ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज के कारण क्या है और कितने टाइप की ये होती है। तो डायबिटीज इज ड्यू टू आइदर द पैंक्रियास, पैंक्रियास पता है, पैंक्रियास पता है ना, अरे भाई पैंक्रियास पता ना, ये इस तरह से स्टमक रहता है, ठीक है, डियोडर्म रहता है, और यहाँ पर इस तरीके से पैंक्रियास रहता है, यहाँ पर इस तरह से लीवर रहता है ना, ये पैंक्रियास होता है, दिस इज पैंक्रियास, क्लियर है, ओके। तो अब इसके डायग्राम की वजह जरूरत नहीं है, पैंक्रियास, पैंक्रियास की बात हो रही है, क्यों हो रहा है, इट इज ड्यू टू आइदर या तो पैंक्रियास नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ इंसुलिन, इनफ इंसुलिन का मतलब क्या, हमारी बॉडी में खाना खाया, ग्लूकोज बहुत सारा आ गया, उस सारा ग्लूकोज को ब्लड से खींच करके सेल में डालना है, लीवर सेल में डालना है, खून से हटाना उस ग्लूकोज को। अब मान लो उस ग्लूकोज को लगने के लिए 10 ग्राम इंसुलिन चाहिए, 20 ग्राम इंसुलिन चाहिए, हमारी बॉडी निकाल नहीं पा रही उतना, निकल तो रहे पर उतना नहीं निकाल पा रही जितना कि पूरा पूरा ब्लड के अंदर से शुगर को हटाया जा सके। तो इनफ, हम कहते हैं इनफ काफी है, उतना काफी नहीं निकाल पा रहा है कि ब्लड के अंदर से पूरा ग्लूकोज हटा दे, और या फिर द सेल्स ऑफ द बॉडी नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली टू द इंसुलिन। हुआ क्या, इंसुलिन निकला है ना, अब होता क्या है, हमने गर्म चीज छुई, हाथ हटा लिया, इंसुलिन तो निकल के आया, अब इंसुलिन आकर रिसेप्टर पे आ गया, कह रहा है भैया ग्लूकोज को अंदर खींचो, रिसेप्टर काम नहीं कर रहे, हमारी बॉडी के सेल रिसीव ही नहीं कर रहे, मतलब अच्छा है कौन हो तुम, इंसुलिन भैया हम तुम्हें नहीं जानते, ठीक है ना, तो वो इंसुलिन को पहचान नहीं रहा है या उस इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। इंसुलिन जब भी अगर रिसेप्टर से लगेगा तो सेल का काम होता है कि खून से ब्लड से क्या खींच ले, ग्लूकोज को खींच के अंदर कर ले, यानी कि खून के अंदर से ग्लूकोज को खींचे, लेकिन इस बार इंसुलिन आया असर ही नहीं हो रहा कोई, वो कह रहा हम तुम्हें नहीं पहचानते, प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब तरीके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से दो बेसिक कॉज में समझ में आए, या तो इंसुलिन कम पैदा होगा कहां पर, पैंक्रियास के अंदर, पैंक्रियास के अंदर बनाते बनते हैं इंसुलिन, या फिर इंसुलिन तो काफी मात्रा में बन रही है लेकिन जहां पर जाकर ये एक्ट करते हैं, वहां पर जाकर के जब ये एक्ट करते हैं वो सेल इनको भाव नहीं मारते हैं, इनको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, बात समझ में आई, ओके। तो तीन टाइप की डायबिटीज है हमारे पास, टाइप वन डायबिटीज क्या कहती है, इट ऑकर ड्यू टू फेलियर ऑफ द पैंक्रियास, सीधी कहानी, जब पैंक्रियास ही फेल हो गया, वो इंसुलिन बना ही नहीं पा रहा है, ठीक है, किसमें फेल हो गया, टू प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन ड्यू टू लॉस ऑफ बीटा सेल्स, पैंक्रियास के अंदर बीटा सेल्स नाम का एक सेल्स पाए जाते हैं जो क्या बनाते हैं, इंसुलिन बनाते हैं,
अब वो फेल हो गया किसी वजह से, बीटा से डैमेज हो गया, कुछ बात हो गई। ओके, दिस फॉर्म वॉज प्रीवियसली रेफर्ड एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। पहले इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते थे, इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी कि इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट थी डायबिटीज, ठीक है ना। इसीलिए इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ऐसी डायबिटीज जो इंसुलिन की वजह से हो रही है। और ये जुवेनाइल डायबिटीज बच्चों में कई बार देखा जाता है ज्यादातर इसे, तो बच्चे यानी जुवेनाइल, तो वहां से इसका नाम पड़ गया जुवेनाइल डायबिटीज, क्योंकि बच्चों का और कोई तो कारण हो नहीं सकता। ओके, द लॉस ऑफ बीटा सेल इज कॉज्ड बाय एन ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स। बीटा सेल आखिरकार कम कैसे पड़ गए, अच्छे खासे बल थे हमारे बॉडी में, हुआ क्या, ऑटोइम्यून। ऑटोइम्यून मतलब क्या होता है, देखो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म को थोड़ा समझाता हूं मैं। बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जब आते हैं, अब सपोज बैक्टीरिया एक सेल के अंदर घुस के बैठा हुआ हमारी बॉडी के, और ये आ गया हमारा इम्यून सिस्टम। कौन आ गया, इम्यून सिस्टम मतलब जो हमको बचाएगा बैक्टीरिया वायरस, है ना, इम्यून सिस्टम। अब जब ये आकर के अटैक करना स्टार्ट करता है ना, तो बच्चों इसकी एक खासियत होती है, ये फिर जिस समय अटैक करने की बारी पे आता है, ये देखता नहीं है कि इस सेल के अंदर बैक्टीरिया है कि इस सेल के अंदर बैक्टीरिया है, ये अंधाधुंध मारना शुरू कर देता है। समझना बात है, हकीकत बात है, तीन टाइप के सेल होते हैं, एक होता है किलर सेल, उठाई बंदूक दर 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 दर, है ना, जहां के बैक्टीरिया है, तो अब चाहे अच्छे सेल मर जाए या बैक्टीरिया और वायरस वाले सेल मर जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो अंधाधुंध मारना चालू करता है। इसी वजह से जब भी फीवर आता है हमको कमजोरी आ जाती है, क्यों, वो बैक्टीरिया वाले सेल तो मारता है, हमारी बॉडी के और भी चीजों को हल्का सा डैमेज कर देता है, तो हमको थोड़ी कमजोरी लगने लगती है। ओके, तो किलर सेल को रोकता कौन है, एक और सेल होते हैं जो होते हैं सप्रेसर सेल, इन्हीं की वैरायटी होती है, डिटेल में नहीं, सीधा समझ लो, एक सेल होता है उसको समझ लो बस बंदूक थमा दी गई है, मारना चालू, जैसे कहा जाओ मारो अंदर, तो मारना चालू, फिर पीछे से एक दूसरा सेल आता है कि भैया रुक जा, बैक्टीरिया सब खत्म हो गया, ठीक है ना, हमको तुम अपनी खुद की बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हो, बात समझा ना, पीछे सप्रेसर सेल आ रहा है रोक रहा है कि भैया रुक जाओ, अब तुम अपनी खुद की बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हो, ठीक है। तब ये जो इम्यून जो हमारे किलर सेल होते हैं ये क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है, वो रुक जाते हैं, यानी कि अब ऐसे बातचीत तो नहीं करते हैं, यानी कि वो बॉडी के अंदर वापस चले जाते हैं जहां से आए थे। अब यही बात हो जाती है, अब किलर सेल गलती से क्या कर लेते हैं, ये जो किलर सेल होते हैं हमारी बॉडी के बीटा सेल को दुश्मन समझ लिया इन्होंने, कुछ हमारी बॉडी में ऐसे चेंजेस हो गए, इन किलर सेल ने क्या समझ लिया, बीटा सेल को दुश्मन समझ लिया, सप्रेसर सेल भी दुश्मन समझ रहा है, उसे दिख रहा है बीटा सेल है, तब तक मारते रहो भैया बीटा सेल को, चलो मारो, बात समझ में आई, दैट इज कॉल्ड ऑटो, खुद का ही इम्यून रिस्पॉन्स, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ऊपर ही काम करता है, बात समझ में आ गई। तो इस वजह से बीटा सेल्स की क्या हो जाती है, कमी पड़ जाती है। ओके, द कॉज ऑफ दिस ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स इज अननोन, इसका कॉज अभी तक अननोन है कि आखिरकार ये जिन लोगों में पाया गया उसका एकदम एग्जैक्ट रीजन क्या है, क्लियर है बातें, चले आगे। ओके, नाउ द टाइप टाइप टू डायबिटीज, टाइप वन होगी हमारे पास, टाइप टू देखते हैं, टाइप टू क्या बोल रही है, टाइप टू बोल रहा है हमारे पास, इट बिगिंस विद इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस हो गया, मेरा सेल आया था यहाँ पे, कहा कि भैया काम करो, अब इसको फर्क नहीं पड़ रहा, रेजिस्टेंस हो गया उसके लिए, यानी कि अ कंडीशन, एक ऐसी सिचुएशन इन विच सेल्स फेल टू रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन प्रॉपरली, जिन सेल के ऊपर जाके इंसुलिन काम करता है वो इंसुलिन, वो सेल अब इंसुलिन को पहचान नहीं पा रहे हैं किसी वजह से। एज अ डिजीज प्रोग्रेस, जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती है, बढ़ती है आगे, अ लैक ऑफ इंसुलिन में आता डेवलप, धीरे धीरे इंसुलिन भी लैक होना शुरू हो जाता है, इंसुलिन काम ही नहीं हो पा रहा है, इंसुलिन कहता है मैं निकल दूं, तो इंसुलिन की भी कई बार कमी होना शुरू हो जाती है। दिस फॉर्म वॉज प्रीवियसली रेफर्ड एज, इस रूप को डायबिटीज टू को, टाइप टू डायबिटीज को पहले नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, अभी इंसुलिन के ऊपर डिपेंड तो है नहीं, इंसुलिन तो प्रॉपर निकल रहा है, अच्छा खासा निकल रहा है, लेकिन जहां जाके एक्ट करता है वो सेल रिस्पॉन्ड नहीं करते उसको, ठीक है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस और अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज, ये ज्यादातर जो अडल्ट हो जाता है लोग उनमें पाया गया, तो इस पर हमारे इसका नाम पड़ गया अडल्ट ऑनसेट, जैसे हम लोग अडल्ट होते हैं 18 के बाद आते हैं उनमें ये मात्रा ज्यादा पाई जाती थी, तो वहां से इसका नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन कॉज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेसिव बॉडी वेट एंड इनसफिशियंट एक्सरसाइज, ठीक है ना, जो सबसे बड़ा इसका कारण था वो क्या कारण था, सबसे बड़ा जो इसका कारण था
कि प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करना और बॉडी का वेट बढ़ जाना, तो इसीलिए जो लोग मोटे होते हैं उनके अंदर जनरली डायबिटीज देखने को मिल जाती है। बट आजकल तो हम लोगों का खान पान इतना बिगड़ गया है किसी के अंदर हो जाती है। खैर, पहले जनरली ये कंडीशन थी। तीसरी तरह की डायबिटीज हमको जो देखने को मिलती है वो होती है प्रेग्नेंट लेडी में, जो लेडीज प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल मतलब जिस जो 9 महीने का समय होता है, जो जिस दौरान एक माँ बच्चे को अपने कोख में रखती है, वो जो समय है 9 महीने का, उस समय को कहा जाता है जेस्टेशनल पीरियड। ठीक है, क्या कहा जाता है? जेस्टेशनल पीरियड, ठीक है ना। तो उस समय जो डायबिटीज होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? जेस्टेशनल डायबिटीज। इट ऑकर व्हेन प्रेग्नेंट वुमन विदाउट अ प्रीवियस हिस्ट्री, मतलब उसकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है कि पहले कभी डायबिटीज थी, उसके परिवार में किसी को डायबिटीज थी, बस हो गई कब, जब प्रेग्नेंट थी और बाद में वो ठीक हो गई, तो दैट इज कॉल्ड जेस्टेशनल डायबिटीज। क्लियर है? मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। चले आगे। ओके, नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन की बारी हमारे पास। ठीक है, तो आओ क्लासिफिकेशन देखें हम लोग। क्लासिफिकेशन क्या कहता है, तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लें। ओके, तो पहले मोटा मोटा क्लासिफिकेशन देखते हैं कि हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक पेरेंट्रल, यानी कि पेरेंट्रल का मतलब जो हम लोग इंजेक्शन के थ्रू लेंगे, उसको क्या कहा जाता है? पेरेंटल कहा जाता है। ओरल, जो हम लोग मुंह से लेंगे, माउथ, है ना, टैबलेट वगैरह जो होगी। तो पेरेंट्रल में 3 कैटेगरी और होती हैं। फास्ट एक्टिंग, जो बहुत जल्दी काम करती है, इंटरमीडिएट एक्टिंग, जो थोड़ा सा लेट काम करेंगी, और लॉन्ग एक्टिंग, जो लंबे समय तक काम करती है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब ओरल की फर्दर और वैरायटीज में तोड़ा गया है, जो ओरल है उसको फर्दर और कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो कैटेगरीज क्या है, आओ देखते हैं। वो कैटेगरीज हमारे पास ये है। ओके, क्या कह रहा है? ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। इनहेंस इंसुलिन सिक्रीशन, इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाने वाले, अगर इंसुलिन कम निकल रहा है तो उसको बढ़ा देगा। ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो इंसुलिन के लिए सेल्स रेजिस्टेंट हो गए हैं, मतलब सेल एक्ट नहीं कर पा रहे, इंसुलिन आता है वो काम नहीं कर पा रहे, उनको ठीक करेगा। तीसरे आते हैं हमारे मिसलिनियस टाइप के। तीसरे कौन से आते हैं हमारे? मिसलिनियस टाइप के। ओके, तो हम फिलहाल इसको ऐसे याद रखेंगे। अब इनहेंस इंसुलिन जो सिक्रीशन वाला है, उसमें जो हमारे पास दो वैरायटी आती हैं, ठीक है, दैट इज सल्फोनिल यूरिया और मैग्नेटिनाइड या फिनाइल एलानिन एनालॉग, मतलब कि उसके केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से जो हमको डिवाइड कर रहे हैं। इस वाले पार्ट को चाहो तो अभी हटा सकते हो, ठीक है ना। फिलहाल ये किसके हिसाब से हो गया, नीचे उसके केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से हो गया। इसमें बात करें तो ये बाइगुआनाइड, ठीक है ना, या बिगुआनाइड बोलते हैं इसको, और थायाजोलिडीन डाइवन, यानी कि यहां पर हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार कौन सा केमिकल कंपाउंड उनके अंदर पाया जाता है, किस फैमिली के हैं ये लोग, ठीक है, या फिर डाइपेप्टाइडिल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हमको अभी चाहो तो ये पार्ट हटा सकते हो, ठीक है ना, और डायरेक्ट हम लोग इसके बेस पर भी वो एग्जैक्टली काम क्या कर रहा है उसके हिसाब से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो ओरल को फर्दर हम कर सकते हैं। तो लोग क्या कर सकते हो, जब अपना चार्ट बनाओ तो यही ओरल के नीचे इसको ऐसे उठा करके ऐड कर सकते हो। क्लियर है? चले आगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंसुलिन। हेडिंग हमारे पास दे रखा है इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन, कि इंसुलिन के बारे में बता दो थोड़ा सा और उसकी प्रिपरेशन के बारे में बता दो थोड़ा सा। तो इंसुलिन को आओ थोड़ा समझ लें, अब हम थोड़ा डिटेल में जान लें, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड का मतलब हो गया किससे बना हुआ है, पेप्टाइड का मतलब हो गया प्रोटीन, एक तरह से, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर जो बॉन्ड होती है उनको पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। इसीलिए क्या कहा गया इसको, पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? बीटा सेल ऑफ द पंक्रियाटिक आइलेट। देखो पंक्रियाटिक आइलेट, आइलेट क्या चीज है, एक नाम दे दिया आइलेट, बच्चा कहता पता नहीं क्या आइलेट, अरे आइलेट कुछ नहीं है, जो क्या बोल रहा है। पंक्रियाटिक आइलेट आल्सो कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, जिन्हें ढूंढना तो उनके नाम से है, आर ग्रुप ऑफ सेल्स इन योर पैंक्रियास।
एक ग्रुप सेल्स का एक ग्रुप होता है और वो ग्रुप ना एक आइलैंड की तरह मालूम पड़ता है, आइलैंड टापू, वहीं से नाम पड़ गया आइलैंड। बात समझ में आई? तो आइलैंड के हिसाब से दिखाई पड़ता है, तो वहां से नाम क्या पड़ गया इसका, आइलैंड नाम पड़ गया। ओके, तो क्या है आइलैंड, क्या है ग्रुप ऑफ सेल्स, है ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, नाम दे दिया स्पेशल की वहां से निकलेंगे। ओके, अब देखो थोड़ा सा आगे आते हैं, समझते हैं यहाँ पर थोड़ा डायग्राम भी क्लियर नहीं है बट बात को समझते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है, पेंक्रियास का हिस्सा ले लिया मैंने, क्या ले लिया ये, पेंक्रियास का हिस्सा ले लिया ये। अब इस पेंक्रियास में से यहां से छोटा सा टुकड़ा लेकर के इसको एक्सपेंड कर लिया, तो देखो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है, बहुत छोटा हो गया, ऐसे दिख नहीं रहा होगा तुमको ये। तो देखो यहाँ पर जो ये वाले ना, ये बता दूं मैं, ये बीटा सेल्स हैं, ये अल्फा सेल्स हैं, और ये जो है पूरा पार्ट, इसको हम कहते हैं आइलेट ऑफ लैगरहंस, ठीक है ना। क्या होता है ये आइलेट, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट बना हुआ है, फिर ये और फिर ये, ठीक है, फिर यहाँ पे डक्ट वगैरह बनी हुई है। तो हमको इतना नहीं जानना, हमको इतना जानना है कि पैंक्रियास के अंदर ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। टापू जैसा दिखाई पड़ रहा है, ये एक टापू जैसा लग रहा है, तो उसको आइलेट आइलेट का नाम दे दिया। अब क्या कह रहा है हमें समझना क्या है, हिस्टोलॉजिकली, हिस्टोलॉजिकली मतलब हिस्टोलॉजी होती है स्टडी ऑफ टिश्यू, जो हिस्टो वर्ड है बच्चों, हिस्टो ये वर्ड जुड़ा हुआ है किससे, टिश्यू से, इसको याद कर लेना, हिस्टो वर्ड किससे जुड़ा हुआ है, टिश्यू से जुड़ा हुआ है। तो हिस्टोलॉजिकली टिश्यू वाइज बात करें, The island consists of three major cells. तीन में बड़े cells इसके अंदर देखने को मिलते हैं। एक होते हैं बीटा cells, यही हमारे मतलब के हैं। एक होते हैं अल्फा cells, ग्लूकागॉन। एक होते हैं डेल्टा cells, ठीक है ना। तो बीटा cells लगभग 60% होते हैं पूरे, अगर बात करें हम लोग, और ये क्या सीक्रेट कर रहे हैं, इंसुलिन, इसी की सारी बात होनी है। अल्फा cells की बात नहीं होनी, फिलहाल ये ग्लूकागॉन सीक्रेट करते हैं, ये उल्टा काम करते हैं। अगर ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो गई तो चक्कर भी आ जाएगा हम लोगों को, है ना। तो अगर गलती से ज्यादा ब्लड कम हो रहा है तो ग्लूकागॉन वापस खींच के लेके आया ब्लड के अंदर, इसको ग्लूकोज को, ताकि बैलेंस बना रहे। ओके, डेल्टा डस सोमाटोस्टेटिन का और कई सारे काम होते हैं हमारे फिजियोलॉजी वगैरह में, तो वो हमारे मतलब का नहीं है अभी, फिलहाल हमारे मतलब का है केवल कौन, बीटा सेल। आगे आते हैं, क्या कह रहा है ये, अब देखो ये क्या कह रहा है, इंसुलिन रेगुलेट द, इंसुलिन क्या रेगुलेट कर रहा है, रेगुलेट मतलब कंट्रोल कर रहा है, क्या मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय जो पढ़ा था अभी हमने, ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट की रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है, फैट्स की रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है, प्रोटीन की रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है, बाय किसके द्वारा, बाय प्रमोटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड। वो क्या कर रहा है, इन सब चीजों को कंट्रोल कैसे कर रहा है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज बना है उसको एब्जॉर्ब करा देगा, कहां पर, लिवर में करा देगा, फैट जो हमारी बॉडी में फैट जमा हुआ उसमें करवा देगा, और जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, ये वाले स्केलेटल मसल्स जो हमारी हड्डियों से जुड़े हुए डायरेक्ट और हमारे कंट्रोल में हैं, इनके अंदर क्या करता है, ब्लड से खींच करके इन तीन जगह पर ग्लूकोज को पहुंचा दिया जाता है, किसके द्वारा, इंसुलिन के द्वारा। बात समझो ना, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, इन दीज टिश्यूज द एब्जॉर्ब ग्लूकोज इज, इन टिश्यूज में जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया है इस कन्वर्टेड इनटू आइदर ग्लाइकोजन, आई बता रहा था किसमें कन्वर्ट हो गया, तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है वाया ग्लाइकोजेनेसिस, जो प्रोसेस है ग्लूकोज की, लिख लेना, जो प्रोसेस है ग्लूकोज की ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने की, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोजन में, इस प्रोसेस का नाम क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस। और अगर ये ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट हो रहा है, या हम कह रहे हैं ट्राइग्लिसराइड वाया लाइपोजेनेसिस, अगर वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइपो, लाइपो मतलब लिपिड जेनेसिस सिंथेसिस, और इन केस ऑफ द लिवर इनटू बोथ, लिवर के अंदर ये दोनों में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, ग्लाइकोजन में भी और फैट में ना, इससे कई बार फैटी लिवर रहता है अल्कोहल पीने वालों का, दारू पीने वालों का, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, इंसुलिन कर क्या रहा है, ब्लड से ग्लूकोज को खींच करके बाहर निकाल रहा है, किस रूप में बाहर निकाल रहा है, लिपिड या ग्लाइकोजन के रूप में निकाल देगा। आगे आते हैं, ग्लूकोज प्रोड्यूस, ग्लूकोज प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन बाय द लिवर, ग्लूकोज का प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन बाय द लिवर, ठीक है ना, लिवर के द्वारा ग्लूकोज है ना, जब क्या होगा, हमको हमारी बॉडी में ग्लूकोज की नीड है, तो ग्लाइकोजन वापस से टूटेगा और क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा, और ये काम कहां होगा, लिवर के अंदर ही हो जाएगा।
सो ग्लूकोज का प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन बाय द लिवर इज स्ट्रांगली इनहिबिटेड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड। अगर हमारे ब्लड में इंसुलिन बहुत ज्यादा है तो वो क्या करेगा, ग्लूकोज को बनने से और बाहर निकलने से रोकेगा लीवर में, जो लीवर में ऑलरेडी स्टोर है उसको भी बाहर नहीं निकलने देगा। ठीक है, तो ये सारे काम का है ना, यहाँ फंक्शन ऑफ इंसुलिन की बात कर रहे हैं हम लोग कि इंसुलिन कब हेल्प करता है ग्लूकोज को निकलने में और कब नहीं करेगा। ठीक है, सर्कुलेटिंग इंसुलिन, सर्कुलेटिंग मतलब जो ब्लड में हमारे फ्लो कर रहा है ना, ब्लड हमारे पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है। सर्कुलेटिंग इंसुलिन ऑल्सो अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन के बनने के ऊपर भी इसको इसका असर रहता है। इन अ वाइड वैरायटी ऑफ टिश्यूज, का हर टिश्यूज के अंदर, यानी कि यहां पे सिंपल सी लाइन डाल सकते हो कि प्रोटीन सिंथेसिस को भी ये अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। इट इज देयरफॉर एन एनाबॉलिक हार्मोन, एनाबॉलिक मेटाबॉलिक के दो पार्ट होते हैं, मेटाबॉलिक है ना, एक मेटाबॉलिक मतलब ऑल ओवर द रिएक्शन इनसाइड द बॉडी। रिएक्शन दो टाइप से होंगी, कुछ बनेगा जैसे ग्लूकोज से क्या बना, ग्लाइकोजन, तो इसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक, और टूटना, ग्लूकोज से टूट के क्या बना, ग्लूकोज, तो इसको कहते हैं कैटाबॉलिक। याद आ रहा होगा बहुत से बच्चों को, ये कैटाबॉलिक है और ये एनाबॉलिक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये एनाबॉलिक हार्मोन भी है, बहुत सारी चीजों को बनने में हेल्प करता है, प्रमोटिंग द कन्वर्जन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल इन द ब्लड इनटू लार्ज मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल, यानी कि क्या कर रहा है, ब्लड के अंदर का स्मॉल मॉलिक्यूल ग्लूकोज उसको एक बड़े मॉलिक्यूल ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने को हेल्प कर रहा है, इसीलिए हम इसको एनाबॉलिक हार्मोन भी कह सकते हैं, इंसुलिन हार्मोन ही अल्टीमेटली। ठीक है, आगे आते हैं, लो इंसुलिन लेवल इन द ब्लड, अगर ब्लड में इंसुलिन का लेवल कम है, हैव द अपोजिट इफेक्ट बाय प्रमोटिंग कैटाबॉलिज्म स्पेशली ऑफ प्रिजर्व बॉडी फैट। वो कह रहा है अगर इंसुलिन की कमी पड़ गई बॉडी में, मतलब ब्लड के अंदर, तो इफेक्ट उल्टा होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो बढ़ जाएगी, यानी कि चीजों का टूटना स्टार्ट हो जाएगा, स्पेशली बॉडी का फैट, हमारी बॉडी का जो फैट है वो टूट टूट के बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग पतले होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है, बात समझ में आई। तो ये सब इंसुलिन की प्रोसेस है, इंसुलिन करता क्या है, इससे क्या रहेगा, जब इसको अच्छे से समझ लोगे ना तो तुमको एक बात समझ में आएगी। ठीक है, ये सब कुछ जनरल बातें हैं, फिर कह रहा हूँ इसको समझने के बाद चैप्टर को पढ़ना इतना मजेदार हो जाता है, इतना आसान लगता है, इससे कोई खत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं, अच्छा इंसुलिन अपने उसमें दे भी रखा है, इंसुलिन के बारे में बताना है तो ये सब बातें लिखनी पड़ेगी यहाँ पे इंसुलिन के बारे में, ठीक है ना, और उसकी प्रिपरेशन के बारे में, तो ये सब जनरल बातें चल रही है इंसुलिन के बारे में। इसको तुम लोग चाहो तो लगता है कि अभी भी टफ लग रहा है कि लैंग्वेज टफ है, तो इसको और अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, मैं एक्सप्लेन करता हुआ चल ही रहा हूँ, पॉज कर करके उसको हिंदी में लिखते चलो, बाद में अपनी सिंपल हिंदी में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है ना, अब बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन इन बॉडी। देखो हमारी बॉडी में इंसुलिन का बनना क्या कह रहा है, इंसुलिन इज अ हार्मोन सिंथेसाइज्ड इन द पैंक्रियाटिक बीटा सेल, पता है हमको ये बात समझ रही है, अभी पैंक्रियाटिक सेल के अंदर एक खास सेल्स पाए जाते हैं, दैट इज योर बीटा सेल्स, उसके अंदर इंसुलिन बनती है। ठीक है, अच्छा अब बच्चों तुम लोग ये बताओ जरा, जो अगली लाइन आने वाली है, ठीक है ना, यहाँ पर एक चीज तुम लोगों को पता है, हमारा डीएनए, डीएनए क्या बनाता है, डीएनए अपने ऊपर एमआरएनए बनाता है, इसको मैं डिटेल नहीं करूंगा, सिर्फ बता देना थोड़ा सा, मैसेंजर आरएनए अपने ऊपर क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाता है, याद आ गया। ठीक है ना, अब जिस टाइप का मैसेंजर आरएनए ज्यादा बनेगा उस टाइप की प्रोटीन ज्यादा बन जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है The insulin messenger RNA, यानी कि वो messenger RNA DNA से जो निकला हुआ है, जो क्या बनाएगा, insulin बनाएगा, is translated a single chain precursor, यानी कि होता क्या, सबसे पहले क्या हुआ, DNA से mRNA बना, ठीक है, mRNA से जो protein बनती है, ठीक है ना, mRNA जो protein बनेगी actually वो एक precursor होता है, यानी कि mRNA से जो insulin बन के आएगा वो insulin अभी हमारा एक्टिव नहीं है, अभी हमारा काम करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए इसको बोला गया है प्रीकर्सर। फिर से, जो सबसे पहले हमारा इंसुलिन बनता है, एक्चुअली उसको इंसुलिन होता ही नहीं है, वो इंसुलिन एक तरह से कह सकते हैं बच्चा होता है, ठीक है ना, जिससे आगे जाके वो इंसुलिन बन जाएगा, तो जिससे आगे जाके इंसुलिन बनेगा, जिस प्रोटीन से बनेगा, वो प्रोटीन एमआरएनए के ऊपर बन गई है, उसको मैं प्रीकर्सर बोल दिया, उस प्रोटीन का नाम क्या है, प्री प्रो इंसुलिन। अब समझना बात होगा क्या,
एक स्टेप में प्री वाला पार्ट हट जाएगा, क्या बचेगा? प्रो इंसुलिन। फिर एक और पार्ट में प्रो वाला पार्ट हट जाएगा, फिर क्या बचेगा? इंसुलिन। और ये जो इंसुलिन वाला पार्ट बचेगा वो हमारा क्या होता है, जाकर ग्लूकोज के ऊपर काम करता है। कैसे हटता है वो सब बात करेंगे अभी हम लोग, बात समझ भाई। तो दो स्टेप की प्रोसेस है हमारे पास। यहाँ पे जो सबसे पहला इंसुलिन का रूप निकल के आया वो प्रीकर्सर होता है, एक्टिव फॉर्म नहीं होती है, ठीक है, प्री प्रो इंसुलिन होती है। अब देखो क्या हो रहा है, समझते हैं इसको हम लोग, ठीक है। रिमूवल ऑफ इट्स सिग्नल पेप्टाइड। अब होता क्या, प्री प्रो इंसुलिन में से एक पेप्टाइड टूट जाता है, यानी कि मान लेते हैं देखो यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये इस तरह से एक प्री प्रो इंसुलिन बनके हमारे सामने आ गया। और यहाँ से जैसे ही ये पार्ट टूटेगा, ठीक है ना, सिग्नल मिल जाता है कि चलो भैया प्रो इंसुलिन बनाओ। ये जो है मेरे पास, ये जो है मेरे पास, ये है प्री प्रो इंसुलिन, ठीक है ना। जैसे ही यहाँ से टूटा ये वाला पार्ट, यहाँ टूट, यहाँ से टूटा, सिग्नल मिल गया कि चलो अब प्रो इंसुलिन बनाना है, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, प्रो इंसुलिन। अब ये मेरे पास क्या है, प्रो इंसुलिन। और प्रो इंसुलिन जब फर्दर बॉडी के अंदर ग्लूकोज बढ़ता है, ठीक है ना, तो ये प्रो इंसुलिन क्या होता है, फर्दर ये प्रो इंसुलिन इसके तीन टुकड़े हो जाते हैं, तीन के एक्चुअली दो टुकड़े होते हैं, ये यहां से इतना और ये इतना, केवल जो इतना हिस्सा है ये मेरा क्या है, इंसुलिन है, जो एक्चुअल में जाके काम करेगा। जो बीच में बॉन्ड देख रहे हो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड होती है, और ये सी पेप्टाइड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सी पेप्टाइड कहते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास ऊपर ए चेन है और नीचे बी चेन है, ये दो चेन, दिस इज द एक्टिव इंसुलिन, जो एक्चुअल में जाकर के काम करेगी ग्लूकोज के ऊपर, बाहर निकालेगी ग्लूकोज को ब्लड से, ठीक है ना। तो ये तीन स्टेप की प्रोसेस है, हर समय अगर एक्टिव फॉर्म पड़ी जाएगी तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की बहुत कमी हो जाएगी, बात समझना, ठीक है ना। तो वापस आते हैं हम लोग, कहां पर थे, प्री प्रो इंसुलिन के पास थे हम लोग। मैं क्या कह रहा हूं, सिग्नल पेप्टाइड टूटा, अभी दिखाया मैंने, ड्यूरिंग इंसर्शन किस समय टूटता है ये तो मेरे पास प्रीकर्सर बन गया है, ये इंसर्ट किया जा रहा है, ढकेला जाता है किसके अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, किसके अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, पता है ना क्या होता है, सेल के अंदर पाया जाता है, एक सेल ऑर्गेनिल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद आ गया होगा, गुड, ठीक है ना। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर घुस जाता है और क्या बन जाता है, प्रो इंसुलिन, ठीक है ना, जनरेट प्रो इंसुलिन। अब प्रो इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ थ्री डोमेन, डोमेन कह लो या पार्ट कह लो, जिनको डोमेन से दिक्कत है वो यहां लिख लें पार्ट, तीन पार्ट होते हैं, एक अमीनो एसिड टर्मिनल बी, मैंने बताया था बी चेन है, ठीक है ना, कार्बोक्सी टर्मिनल ए, टर्मिनल मतलब जो बी चेन होता है उसके अंत में अमीनो एसिड अमीन लगे होते हैं, जो चेन ए होती है उसके अंत में कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होता है, इसलिए कार्बोक्सी कहा गया है, ठीक है। एंड कनेक्टिंग पेप्टाइड इन द मिडल, ठीक है ना, ये वाला जो कनेक्टिंग पेप्टाइड जो इन दोनों को जोड़ रहा है, क्लियर है, ठीक है, ओके। एंड कनेक्टिंग पेप्टाइड इन द मिडल नोन एज सी पेप्टाइड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सी पेप्टाइड। देखो बच्चों ये जो पार्ट है सिंथेसिस, ये तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। विद इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही है अभी मेरा कौन, प्रो इंसुलिन, जब वो घुसा तभी बन गया था प्रो इंसुलिन। अब देखो उसके बाद घटना क्या करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, विद इन, प्रो इंसुलिन इज एक्सपोज टू सेवरल स्पेसिफिक एंडोपेप्टाइडे, जिनको बात समझ में आए उसे इतना समझे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम्स हैं, प्रो इंसुलिन के ऊपर एक्सपोज मतलब कई सारे एंजाइम्स काम करते हैं, क्लियर हो गया, एक्सपोज मतलब कोई चीज दिखा देना, यानी बहुत सारे एंजाइम्स को लग रहे हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं, विच एक्साइज द, एक्साइज मतलब काट देना, विच एक्साइज द सी पेप्टाइड, जो क्या कर रहे हैं, सी पेप्टाइड को काट देते हैं, thereby जिसके द्वारा जनरेटिंग द मैच्योर फॉर्म ऑफ इंसुलिन। अब जो इंसुलिन आ गई है वो मैच्योर फॉर्म, अब वो काम करने की हालत में तैयार है, ओके। इंसुलिन एंड फ्री सी पेप्टाइड आर पैकेज्ड इन द गोल्जी बॉडी। अब इनको काट पीट करके कहां भेज दिया जाता है,
गोल्जाई बॉडी में भेज दिया जाता है। गोल्जाई बॉडी अगेन क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, इन द गोल्जाई बॉडी इनटू द पैक। अगर गोल्जाई बॉडी के अंदर इसको पैक किया जाता है किसमें, सिक्रेटरी ग्रैन्यूल, मतलब समझ सकते हैं कि एक छोटे छोटे ग्रैन्यूल होंगे इसके अंदर इनको पैक कर दिया गया, विच एक्यूमुलेट इन द साइटोप्लाज्म, जो कि धीरे धीरे साइटोप्लाज्म, ये सेल होता है ना, सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ये पैक होकर के छोटे छोटे पाउचेस में पैक होकर के साइटोप्लाज्म में छोड़ दिया जाता है। बात समझ में आई, साइटोप्लाज्म में, सेल साइटोप्लाज्म में छोड़ दिया गया है। ये यहां तक की कहानी होगी, क्लियर है, ओके। अब देखते हैं क्या होता है, सेल में छोड़ दिया गया। अब जो ये बात बोल रहा है वो कह रहा है, व्हेन द बीटा सेल इज स्टिम्युलेटेड, क्या कह रहा है, जब बीटा सेल स्टिम्युलेट होते हैं, इंसुलिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द सेल बाय एक्सोसाइटोसिस। वो जो छोटे छोटे पाउचेस के अंदर इंसुलिन भरा हुआ है अभी, वो अंदर है, बाहर नहीं निकला है, जब तक वो बाहर निकलेगा नहीं तब तक काम करेगा नहीं। तो होता क्या है, हमने खाना खाया, ग्लूकोज बढ़ा, और उस ग्लूकोज ने जाकर के पैंक्रियास के अंदर ब्लड वेसल्स से उनके थ्रू होते हुए एंट्री मार दिया अंदर। बीटा सेल तो दिख गया कि क्या आ गया है, ग्लूकोज आ गया भैया, ग्लूकोज आ गया, ये स्टिम्युलेट हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे, स्टिम्युलेट मतलब काम करना चालू करेंगे और कहेंगे इंसुलिन निकलो बाहर। यानी कि अब जो इंसुलिन है वो जो ये थैलियां थी छोटी छोटी, इन थैलियों को फाड़ करके बाहर निकल आएगा, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस। ये जो थैलियों से बाहर निकलने वाली प्रोसेस है इसको क्या कहा जाता है, एक्सोसाइटोसिस, एंड डिफ्यूजन इन टू द आईलेट कैपिलरी ब्लड, ठीक है ना, जो आईलेट के आसपास ब्लड की कैपिलरी है उन कैपिलरीज में जाकर के ये इंसुलिन मेरा अब घुस जाएगा। बात समझ में आ गई, ये इंसुलिन मेरा घुस जाएगा, क्लियर होगी बात यहां तक। अच्छा, यहां पर दो चीजें थी, एक इंसुलिन था और एक सी पेप्टाइड चेन थी। तो कह रहा है सी पेप्टाइड इज ऑल्सो सिक्रेटेड इन टू ब्लड, सी पेप्टाइड भी ब्लड में चली जाती है, बट हैज नो नॉन बायोलॉजिकल एक्टिविटी, उसको फर्क पड़ी रहती है, अपना पड़ी है, चली हुई है साथ में, ठीक है, उसका कोई भी रोल नहीं है। मेन रोल किसका था, वो जो दो टुकड़े थे, ठीक है ना, यानी कि ब्लड में ये भी चला गया है और ये भी चला गया है, बट जो वर्किंग है वो ये है, दिस इज वर्किंग, ये ग्लूकोज के ऊपर काम करेगी। क्लियर है बातें, गुड। ओके, आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है, सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, क्या है ये, सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। अब इंसुलिन सिक्रीट कैसे हो रहा है, समझने बात, ग्लूकोज इज कैसे ट्रिगर्ड हुआ, ये ग्लूकोज ट्रिगर्ड मतलब कैसे बीटा सेल ने काम किया, ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द बीटा सेल, बीटा सेल के पास ट्रांसपोर्ट किए गए बाय फैसिलिएटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की एक प्रकार है, खींच करके, मतलब ग्लूकोज जैसे ब्लड के अंदर आ गया तो खींच करके चल बीटा सेल के पास, जब तक बीटा सेल के पास नहीं जाएगा बीटा सेल इंसुलिन को बाहर निकलने के लिए कहेगा ही। तो फैसिलिएटेड डिफ्यूजन मतलब उसको लेके जाया जा रहा है, एनर्जी नहीं खर्च होगी बट हां उसको फैसिलिट करवाया जा रहा है, आसान करवाया जा रहा है कि पहुंचो तुम ब्लड में ग्लूकोज आ गए, तुम पहुंचो बीटा सेल के पास ताकि इंसुलिन निकल सके। ओके, थ्रू अ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है ना, ग्लूकोज को ले जाने वाला एक ट्रांसपोर्टर है, समझे बात को, एक ट्रांसपोर्टर है, जैसे ग्लूकोज आया चल भैया बीटा सेल के पास से निकालना है, बाहर बीटा सेल को टच करवा दिया, बीटा सेल एक्टिव हो गया, उसने यहां से इन पाउचेस को फुड़वा दिया और इंसुलिन बाहर आ जाता है। एलिगेटेड मतलब बड़ा हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बड़ा हुआ है इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि बीटा सेल के आसपास यहां पर क्या है, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, अब ये समझ गए कि ग्लूकोज आ चुका है, लीड टू एलिगेटेड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, विद इन द बीटा सेल, इसकी वजह से यहां से बीटा सेल के अंदर ग्लूकोज आना स्टार्ट कर देता है, तो बीटा सेल के अंदर भी क्या होता है, ग्लूकोज की एक्टिविटी बढ़ गई, ज्यादा हो गए। अब क्या कह रहा है, एलिगेटेड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, अब ये जो बीटा सेल के अंदर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ा है विद इन द बीटा सेल उसके अंदर, अल्टीमेटली लीड्स टू, अल्टीमेटली करवा रहा है, ठीक है, क्या, मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन, उसकी मेम्ब्रेन डीपोलराइज, पोलराइज डीपोलराइज, पोलराइज डीपोलराइज, हार्ट के सामने देखा था, ठीक है, याद है, पोलराइज मतलब जो चार्जेस का कांसेप्ट रहता है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन रहती है एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, याद आया, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो ये डीपोलराइज हो जाती है, सिग्नल मिल गया, जैसे डीपोलराइज हो जाती है इनफ्लक्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम, अब क्या होता है, बाहर का जो कैल्शियम है वो अंदर आना स्टार्ट कर देगा, कैल्शियम अंदर आ गया, द रिजल्टिंग इंक्रीज इन इंट्रा सेलुलर कैल्शियम, जो कैल्शियम अब अंदर पहुंचा इज थॉट टू बी वन ऑफ द प्राइमरी ट्रिगर, ये माना जाता है कि
सबसे बड़ा कारण है फॉर एक्सोसाइटोसिस, इन थैलियों के फटने का, जो थैलियां फट रही हैं इसके फटने का सबसे बड़ा कारण कौन है, जो कैल्शियम ने अंदर एंट्री मार दी, ठीक है, ऑफ इंसुलिन कंटेनिंग सेक्रेटरी ग्रेनुल, जिसके अंदर वो ग्रेनुल्स मेरे ग्रेनुल वाले इंसुलिन थे। बात समझ में आ रही है तो किस तरीके से प्रोसेस चल रही है, उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे प्रोसेस आगे आगे बढ़ी है और फाइनली इंसुलिन निकला बाहर। क्लियर है बातें? तो बात समझ में आ गई होगी कि खाना खाने के बाद ही इंसुलिन क्यों निकलता है, बाकी टाइम बॉडी में इंसुलिन नहीं रहता, लगभग लगभग खत्म हो जाता है, चला जाता है वापस, ठीक है। तो सारी बातें हमने कर ली यहाँ पर उसके सिंथेसिस को लेके। अब बात करते हैं इंसुलिन की प्रिपरेशन, आखिरकार इंसुलिन किन किन ग्रुप में प्रिपेयर होकर हमको मिलता है। प्रिपरेशन मतलब मार्केट की प्रिपरेशन की बात हो रही है, कोई और चीज मत कर लेना। रैपिड एक्टिंग, इसको तोड़ा गया है, इसको तोड़ा गया है ये, ओके नीचे आ जाएगा। तो एक दो तीन चार, इसको एक दो तीन और चार, चार हिस्सों में तोड़ा गया है। पहला है रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग, ये इनकी प्रिपरेशन के नाम है। इंसुलिन लिस्प्रो, ठीक है ना, मतलब ये इसके सामने ही है, ये लिस्प्रो जो है वर्ड ये इसके सामने है, इंसुलिन लिस्प्रो, ठीक है ना, ये यहां पर है इंसुलिन एस्पार्ट, ठीक है ना, इंसुलिन ये यहां पर है, ठीक है ना, इंसुलिन का नाम है। फिर इसमें आता है रेगुलर इंसुलिन, फिर इंसुलिन एनपीएल, फिर इंसुलिन डेटामिन, इंसुलिन ग्रेगिरिन, ठीक है ना। तो नाम मेन ये है डेटामिन ग्लार्जिन, ठीक है ना, इंसुलिन एनपीएल रेगुलर इंसुलिन, ठीक है ना, ये नाम है। ऑनसेट कितनी देर में अपना काम करना शुरू करते हैं, पीक कितनी देर में, पीक एकदम हाई मैक्सिमम अपना एक्शन सबसे ज्यादा काम करके दिखाएंगे, ड्यूरेशन कितनी देर के लिए काम करते हैं, कमेंट कब कब इनको लेना चाहिए, तो मेरी समझ से ये आप खुद कर सकते हो, ठीक है ना। इंजेक्टेड एट द स्टार्ट ऑफ द मील, जब खाना खाए उसी समय लगाना चाहिए, यूजली इंजेक्टेड 15 से 30 मिनट पहले, खाना खाने के 15 से 30 मिनट पहले, यूज टू कंट्रोल ग्लूकोज लेवल बिटवीन मील, दो मील्स जो खाते हैं, मील्स मतलब खाना, मील्स मतलब खाना, जो हम खाना खा रहे हैं, एक दोपहर खाया एक शाम खाया, उसके बीच में ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रहे उसके लिए लेते हैं, यूजली टेकन वंस डेली, इसको हम जनरली रोज एक ले लेते हैं, तो ये तुमको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है कि कुछ छोड़ दें, ठीक है। यूज ऑफ इंसुलिन बहुत आसान हो गया, डायबिटीज में है, कार्बोहाइड्रेट को रेगुलेट कर रहा है, ट्रीट हाइपरकैलेमिया यानी कि जो कैलेमिया मतलब के प्लस पोटेशियम बढ़ गया बहुत ज्यादा उसको कंट्रोल करेगा, ट्रीट कीटो एसिडोसिस एंड डायबिटिक कोमा, कुछ लोग डायबिटिक कोमा में चले जाते हैं उसको भी क्या कर रहा है ये कंट्रोल कर रहा है। क्लियर है? तो यहां तक तो बातें समझ में आ गई होंगी। चले अब अपने ड्रग्स के पास, है ना, कौन कौन से ड्रग है आओ देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्रग स्टार्ट हो जाती है, पहले ड्रग कौन सी, मेटफॉर्मिन, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है इसके ऊपर, स्टार लगा हुआ है, ठीक है ना, यानी कि इसको हमें केमिकल नेम और स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। मेटफॉर्मिन सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम ग्लूकोफेज, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर इसका ब्रांड है, क्या नाम है, ग्लूकोफेज है। मेटफॉर्मिन इज एन एजेंट बिलोंगिंग टू द बिगुआनाइड, बिगुआनाइड क्लास का है ये, क्या होता है बिगुआनाइड, देखो बताता हूं मैं, ये शक्कर देख लो यहां पर क्या है, सी एन एच एन एच टू एन एच टू, ये है ग्वानिडीन, ये क्या है ग्वानिडीन, ठीक है, ये देखो एक ग्वानिडीन और ये दूसरा ग्वानिडीन, तो क्या हो गया बाई ग्वानिडीन, तो इसे बोल दिया गया बिगुआनाइड, ठीक है ना, इसको भी डिटेल में बताऊंगा अभी, चलो पहले से कर ले हम लोग, ठीक है। बिगुआनाइड क्लास ऑफ एंटी डायबिटिक विद एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एक्टिविटी, तो बना के लिख दोगे आप ये इसकी एक्टिविटी है एंटी हाइपरग्लाइसेमिक है यानी कि डायबिटीज को कंट्रोल करती है। इट इज द फर्स्ट लाइन मेडिकेशन, सबसे पहली चॉइस है ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज याद है ना, भूल गए, ठीक है, क्या होती है टाइप 2 डायबिटीज, इसमें सेल रिस्पॉन्ड करना बंद कर दे, टाइप 1 में इंसुलिन नहीं निकलती, टाइप 3 जेस्टेशनल थी, क्लियर है। तो यहां पर देखो कुछ बातें बच्चों बड़ी क्लियर रहेंगी, यहां पे ज्यादातर जो मेडिसिन है इंसुलिन को छोड़ दिया जाए तो सब की सब वो टाइप 2 के लिए ही है लगभग, ठीक है ना, तो यूज में कॉमन आ जाएगा कि सब की सब टाइप 2 को रिस्पॉन्ड करती है, मतलब टाइप 2 के लिए बनी हुई है, ठीक है। इट इज नॉट एसोसिएटेड विद वेट गेन, इसमें वेट का गेन नहीं होता है। इट इज द फर्स्ट लाइन मेडिकेशन, ठीक है, ये भी हो गया। इट इज आल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम,
ठीक है, ओवरी के अंदर सिस्ट पड़ जाते हैं, गांठे से पड़ जाते हैं, उसकी वजह से कुछ फीमेल से प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट में भी ये इस्तेमाल में आता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि अभी हम लोग, हमारा हेडिंग क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स है। ओके, इट इज टेकन बाय माउथ, माउथ से लिया जा रहा है। ओके, केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया, ये ग्वानिडीन था, इसके दो पार्ट, एक और दो, ठीक है ना। तो बाय ग्वानिडीन बोल देते हैं कॉमनली, बट देखो मैंने कहा ये ग्वानिडीन है, तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, ये ले लिया अपना क्या ग्वानिडीन, ठीक है ना। इस ग्वानिडीन में क्या क्या लगा हुआ है, अच्छा इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, 1, 2 और 3, इसकी नेमिंग कुछ ऐसे रहती है, फिर 4, 5 कर सकते हो, खर्च की जरूरत नहीं है अभी हमको। 3 पर क्या लगा हुआ है, डाई अमीनो, ये 3 पे क्या लगा हुआ है, एक सी, एक सी से क्या वर्ड बन गया, मिथाइल। अच्छा मिथाइल सिंगल तो है नहीं, डबल बॉन्ड से है, तो मिथाइलिडीन, जब सी के साथ डबल बॉन्ड है तो मिथाइलिडीन, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रीफिक्स में है, प्रीफिक्स मतलब ग्रुप में पहला लग रहा है, और दो अमीन लगे हुए हैं, तो डाई अमीनो मिथाइलिडीन, और वन पर एक सी ये है, एक सी ये है, 1-1 डाई मिथाइल ग्वानिडीन। क्लियर होगी बातें, ये पार्ट मेरा ग्वानिडीन हो गया पूरा, देखे तो दो दो लग रहे, तो बिगोनाइड कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी क्या है नेमिंग हम लोग कर सकते हैं। आगे आते हैं, यूज की बात करें तो यहाँ पे यूज सबके सेम है, इसमें थोड़ा सा ये पार्ट एक्स्ट्रा होना सब में, टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज। अब डायबिटीज से आगे इसमें क्या ऐड कर सकते हो, ये डायबिटीज 2 को ट्रीट करता है, तो डायबिटीज की वजह से क्या क्या दिक्कतें आती है जो हम लोग को देखी थी, तो ये उन सब चीजों को ठीक करने में काम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर और क्या ऐड कर सकते हो, ऑल डिजीज कॉज ड्यू टू डायबिटीज, वो सारी डिजीज जो डायबिटीज की वजह से हो रही है उन सबको भी हम यहां पर ऐड कर सकते हैं, क्लियर है। स्टेबिलिटी स्टोरेज पूरे में सेम रहेगा, टैबलेट्स होती हैं, ठीक है, ज्यादातर टैबलेट्स हैं, शुड बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज कंटेनर, रूम टेम्परेचर, अवे फ्रॉम लाइट, एक्सेस हीट एंड मॉइस्चर, इन सब चीजों से इनको दूर रखें। फॉर्मुलेशन की बात करें तो ज्यादातर टैबलेट तो है ही हमारे पास, कहीं कहीं सस्पेंशन और सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना, वरना आंख बंद करके टैबलेट मार ही देना किसी में, ठीक है। ब्रांड नेम की बात करें तो ज्यादातर ब्रांड नेम क्या रहेंगे, नाम से मिलते जुलते रहेंगे, तो ग्लूकोफेज, रियोमेट और पोटामेट, ये मेरे पास ब्रांड नेम आ गया। नेक्स्ट आते हैं ग्लिबेक्लेमाइड, ठीक है, स्टार लगा हुआ है, मतलब इसका क्या है केमिकल नेम और स्ट्रक्चर अपने कोर्स में है। ग्लिबेक्लेमाइड, ग्लिबेक्लेमाइड आल्सो नोन एज ग्लैब्यूराइड, ग्लैब्यूराइड कहा जाता है इसको, ये भी मेलाइटिस टाइप 2 में काम करता है। इट इज रिकमेंडेड दैट इट शुड बी टेकन, यहां पर एक वर्ड होना चाहिए, इट should be taken together with diet and exercise. इसको अगर diet मतलब proper diet, मीठा ना खाया जाए, proper चीजें खाई जाए और exercise भी की जाए, ये सब चीजें साथ करते हुए इस दवा को लिया जाए तो इसका effect काफी अच्छा आता है, ठीक है। It may be used with other anti-diabetic, ठीक है, दूसरे के साथ भी ले सकते हैं। It is taken by mouth. बच्चों मैं हर बार बताता हूँ, ये जो part होता है, ये just intro part होता है, नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन लिख दोगे तो अच्छा है, एक गुड इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है ना। आगे आते हैं केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर, तो आओ देखते हैं इसका केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर, तो पकड़ते हैं, देखो कहां पे है ये, मिथॉक्सी बेंजामाइड, अमाइड मैं बता चुका हूं, ये सी है, दिख रहा है CONH है ना, यहां पर अगर NH2 होता तो ये होता मेरे पास बेंजामाइड, ठीक है ना। अब इस बेंजामाइड में एक्चुअली बेंजामाइड इतना है, मैं थोड़ा सा बताता हूं, बेंजामाइड केवल इतना है, ये क्या है बेंजामाइड। अब इसके 1, 2, 3, 4, 5 2 पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पर एक C है, ये ग्रुप क्या है मिथॉक्सी और ये क्या है क्लोरो, तो ये आ गया 5 पे क्लोरो आ गया और 2 पर क्या लगा हुआ है मिथॉक्सी, तो 2 पर मिथॉक्सी इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है और 5 पे क्लोरो। अल्फाबेटिकल करते हैं C पहले, जितना भी पहले वाले कंपाउंड है प्रीफिक्स मेन पैरेंट कंपाउंड से पहले लगते हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाते हैं, ठीक है ना, तो C को पहले लगा दिया। अब देखो यहाँ पर इस N से ये 1 ये 2 2 के फिर 1, 2, 3 और 4 फिर ये 4 के यहाँ पर आ जाऊं मैं अगर तो ये क्या है डाइसल्फो है यहाँ पर सॉरी डाइसल्फो नहीं सल्फो वो है क्या कहते हैं ये लगा हुआ है हमारा सल्फो मोल ग्रुप लगा हुआ है। अब 4th के देखो बात को समझना ये N ये N N के दूसरे वाले भाग में ब्रैकेट 1 दूसरे में जो ग्रुप लगा हुआ है उसके चौथे वाले पार्ट में ब्रांच है ब्रांच कहां से स्टार्ट होगी वहीं से हम आगे चलना स्टार्ट कर देते हैं। N में डैश कॉमा ब्रांच कहां से स्टार्ट हो रही है 2 से डैश कॉमा 4 ब्रांच कहां से स्टार्ट हो रही है 4 से
फिर लगा दिया। अब आगे ब्रांच का सवाल कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से। तो हम उल्टा चलना स्टार्ट करेंगे, साइक्लोहेक्साइल, ये हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन होता है तो साइक्लोहेक्साइल कार्बामोइल, ठीक है, ये रहा हमारे पास कार्बामोइल, ठीक है, सल्फो सल्फामोइल कार्बामोइल, और ये आगे मेरे पास सल्फामोइल, ठीक है ना, कार्बामोइल सल्फामोइल, और देन मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया कार्बामोइल और सल्फामोइल CO, सल्फामोइल दिस इज कार्बामोइल CONH है, ठीक है ना, और फिर मेरे पास क्या आ गया फिनाइल, ये बेंजीन रिंग है, ये वाला पार्ट क्या बना, फिनाइल बन गया, ठीक है, देन इथाइल 1 2, ये वाला पार्ट क्या बना, इथाइल बन गया, ठीक है ना, मिथॉक्सी बेंजामाइड, ये मिथॉक्सी और बेंजामाइड, क्लियर है, नेमिंग समझ में आ रही होगी, गुड, आगे आते हैं हम लोग, ठीक है, जिनको लगता है एक बार समझ में नहीं आया, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके रिपीट करके वापस से देखिए इसको, ओके, यूज की बात करें तो ये वही अगेन है, लोअर द ब्लड शुगर लेवल इन द पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज में ज्यादा काम आ रहा है, स्टेबिलिटी स्टोरेज सबका सेम है, मैंने बताया फॉर्मुलेशन टैबलेट के रूप में है, ब्रांड नेम डायोनिल ग्लाइबोविन और ग्लाइब्यूराइड, ठीक है, जिसके कॉमन ब्रांड नेम आ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्लिम्प्राइड, क्या है ड्रग हमारे पास, ग्लिम्प्राइड है इसका नाम, ग्लिम्प्राइड इज अ लॉन्ग एक्टिंग थर्ड जनरेशन सल्फोनिल यूरिया विद हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी। अगर तुम्हें ड्रग का क्लासिफिकेशन याद है अच्छे से तो जनरल इंट्रोडक्शन में तुम लोग क्या डाल सकते हो, ग्लस के बारे में, ड्रग्स के बारे में जनरल बातें, किस जनरेशन का है, कौन से क्लास का है वगैरह डाल सकते हो, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है लिखने का। ग्लिम्प्राइड इज एन एंटी डायबिटिक, सबको पता है, तो लिख ही सकते हो, जनरल सी बात है, मेडिसिन यूज्ड टू ट्रीट टाइप 2, मैंने कहा सब में टाइप 2 लगा दो, ठीक है, लेस प्रेफर्ड देन मेटफॉर्मिन, ये लाइन नहीं भी याद तब भी चलेगा, याद है, याद करने तो अच्छी बात है, मेटफॉर्मिन से कम है, कमजोर है, यूज is recommended together with diet and exercise, है ना, diet और exercise है, डॉक्टर कहेगा इसे खाओ तो थोड़ी diet maintain करो, exercise पक्के से करो, it is taken by mouth, ठीक है, सिंपल बातें होगी, chemical name and structure इसका अपने कोर्स में नहीं है बट देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो carboxamide, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, ओके 1 2 3 4 पे था, यहाँ से चलते हैं हम लोग, और 2H pyro, ठीक है ना, 5-oxo, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना, ये रिंग आ गया मेन मेरे पास, ये पायरोल, ठीक है, 5 को ऑक्सो लगा हुआ और कार्बोक्सामाइड, ये ठीक है मेरे पास CO और NH, ये कार्बोक्सामाइड मिल गया मेरे को, ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 2 का 1 2 3 4 4 पे फिर पीछे आ जाए वही वाली सारी सेम कहानी उसमें, अब यहाँ पे भी क्या रहेगा 1 2 3 और 4, तो 4 पर ठीक है पहले इसका ले लिया E सबसे पहले आता है अल्फाबेटिकल, तो 4 पे इथाइल इसलिए इसका E पहले लिख दिया, मैंने कहा ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, फिर 3 पे क्या है मिथाइल है, 1 2 एंड 3 कहाँ गया, फिर ये 3 पे क्या है मिथाइल है, ठीक है 4 इथाइल 3 मिथाइल, N पे आ जाओ, N पे फिर आगे उसके 2 पर, N से 2 पे आगे उसके फिर 4 पर, 4 से आगे क्या लगा हुआ है, ये आगे आ गया मिथाइल साइक्लो, ये लगा हुआ सी मिथाइल साइक्लो हेक्साइल, है ना, हेक्साइल आई लग जाएगा, हेक्सेन है तो आई लग जाएगा, कार्बोमोइल, अब ये पूरा ग्रुप वही पीछे वाला आ गया कार्बोमोइल और ये सल्फामोइल, ठीक है ना, देन ये क्या है फिनाइल, ये क्या है इथाइल, ठीक है 5-oxo 2H 2 क्या हो गया इसका सैचुरेशन खत्म हो गया, मतलब डबल बॉन्ड खत्म हो गया, H लग गया, बाकी जो रिंग अपनी क्या पायरोल, पायरोल किससे लगी हुई है 1 से लगी हुई है, तो ये 1 ठीक है एंड कार्बोक्सामाइड, तो ये नेमिंग के लिए बता रहा हूं, जब हम लोग करेंगे नेमिंग तो ये जितने कंपाउंड मैंने जो अपने कोर्स में लिए उन सब की प्रैक्टिस कराऊंगा तुम लोगों को मैं, ठीक है ना, कैसे कैसे इनकी नेमिंग की गई है। आगे आते हैं यूजेस, यूज टू ट्रीट टाइप 2, ठीक है सिंपल है, स्टेबिलिटी मैंने कहा सबका सेम है, फॉर्मुलेशन टैबलेट के रूप में है, ब्रांड नेम एमआरई एबीप्राइड एडग्लिम एड्राइड एसोराइड, क्लियर है, ये तो पार्ट तुमको खुद ही याद करना है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। देन हम लोग आते हैं ठीक है 4 पे पायोग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन की बात करें तो किस ब्रांड नेम के अंदर बेचा जा रहा है, एक्टोस के अंदर बेचा जा रहा है, पायोग्लिटाजोन इज अ मेंबर ऑफ द क्लास थायाजोनिडीन डाइवन, ठीक है ना, किस कैटेगरी में आता है ये थायाजोनिडीन डाइवन में आता है, इट इज अ एंटी डायबिटिक मेडिकेशन, एक एंटी डायबिटिक से ट्रीट कर रहा है टाइप 2 को, ऑब्वियस सी बात है, इसको कुछ सोचने वाली बात नहीं है ना, आपका क्लियर हो गया किसके अंदर ना
पढ़ते 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 दिमाग में सेटअप बना लूंगी। इतनी बात तो मेरे ख्याल से जो बच्चा थोड़ा सा ध्यान लगा लेक्चर देखता होगा तो मेरे ख्याल से 60-70% उसको याद आ जाएगा क्या है इसके अंदर। बाद में कुछ स्ट्रक्चर वगैरह जो करने पड़ेंगे। ओके, यूज इज रिकमेंडेड टुगेदर विद एक्सरसाइज, ठीक है, कॉमन वर्ड आ गया। नॉट रिकमेंडेड इन टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 रिकमेंडेड नहीं होती है, टेकन बाय मॉम। कुछ जनरल बातें हर किसी में आ रही है, हर किसी में लिख सकते हो। एक्सरसाइज साथ ही एक्सरसाइज और डाइट करनी चाहिए साथ में। ओके, केमिकल नेम स्ट्रक्चर अपने कोर्स में नहीं है बट देख लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, थायाजोलिडीन डाई 1, द पेरेंट है हमारे पास थायाजोलिडीन डाई 1 टू 4 डाई 1। ओके, 2-4 डाई 1 और 5, तो ये आ गया मेरे पास 1-3 थाया, ठीक है। 1 पे क्या है, थाया और एजो, तो 1-2 और 3 पे क्या है, एजो, 4 और 5, ठीक है ना। अब देखो 5 से आगे चेन निकली, इसलिए 5 से आगे स्टार्टिंग की गई है, क्लियर है। तो कैसे चेन पकड़नी है, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। थाया मतलब एस और एजो मतलब एन, है ना, कौन सी बातें हैं ये। तो 1-2-3 ये हो गया मेरे पास, 5 पे फिर चेन निकल रही है सी, और ये यहीं से फिर इसके 1-2-3 और 4, फिर इस 4 पे आ जाए तो 1-2, फिर इसके उस पे आ जाए तो आगे कहां पे चला गया ये फिनाइल, यहां पर मेरे पास क्या है ये सी और सी, क्लियर है बातें, ठीक है। और ये 1 और 2, ठीक है ना, 3-4-5-6 इससे चलेगा ये, ठीक है। आते देखो 5 के फिर जो कार्बन लगाया उसके 4 पे, 4 आ गया, उसके 2 से एक और चेन अटैच है, उसके 2 पे फिर उसके 1-2-3-4 और 5, 5 पे एक और चेन अटैच है इथाइल, बात समझ में आ रही है। फिर से देखें 5 पे एक चेन अटैच है जो कि चेन की चेन पे 4 पे अटैच है, ठीक है ना। 4 से एक और मतलब 5 से एक चेन स्टार्ट हो रही है, फिर जो चेन हो रही है उसकी एक और चेन स्टार्ट हो रही है 4 पोजीशन से, उस पे चेन की एक और चेन स्टार्ट हो रही है पोजीशन नंबर 2 से, 2 की में जो चेन लगी हुई है उसमें एक और चेन स्टार्ट हो रही है पोजीशन नंबर 5 से, ठीक है। चलो आ जाओ देखते हैं इधर, तो नाम क्या हो गया इसका, इस तरह से ये नेम ब्रैकेट 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 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया। अब पीछे से नेमिंग करना है, या फिर ऐसा कर लो, मैं बता दूंगा जब प्रायोरिटी ऑर्डर तुम लोग देखना सीख जाओगे, ये मेन कंपाउंड है तो पीछे से नेमिंग करना स्टार्ट कर लो। ऐसे 5 पे क्या लगा हुआ है, इथाइल, और ये क्या है, पाइरिडीन, ये कुछ कौन-कौन पाइरिडीन पाइरिजोलिस है ना, पिपरिडीन, कौन-कौन स्ट्रक्चर है जो तुम्हें बिल्कुल याद होने चाहिए। इथाइल पाइरिडीन हो गया और जुड़ा किससे है ये 2 से, तो 2i, फिर ये क्या है इथॉक्सी, ठीक है, इथॉक्सी में किससे जुड़ा हुआ है ये 4 से जुड़ा हुआ है, 4 इथॉक्सी, और देन क्या है फिनाइल, फिनाइल किससे जुड़ा हुआ है 1 से, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। देन ये मिथाइल और 1-3 वाला मैंने कांसेप्ट बता दिया, 1-3 थायल और 2-4 पे क्या है डाई 1, दो कीटोन लगे हुए हैं, क्लियर है बातें। तो थोड़ा सा नाउन फ्रेजर और स्ट्रांग हो जाएगा तुम लोगों का, ठीक है। आगे चलते हैं, यूज की बात करें, यूज टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज, स्टोरेज सेम है, फॉर्मुलेशन टैबलेट है, ब्रांड नेम एक्टोस, ओसेनी, ड्यूटेक और एक्टो प्लस। ओके, आगे आते हैं फिफ्थ पे, फिफ्थ क्या हमारे पास, रिपाग्रिनाइड। रिपाग्रिनाइड इज एन एंटी डायबिटिक ड्रग इन द क्लास ऑफ मेडिकेशन नोन एज मैग्लिटिनाइड, क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था मैग्लिटिनाइड, उस क्लास में आता है ये। इट इज अ बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, कौन सा डेरिवेटिव है ये, बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव है। इट इज एन ओरल मेडिकेशन, ठीक है, एडिशन टू डाइट एंड एक्सरसाइज फॉर ब्लड शुगर कंट्रोल इन टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है, टाइप 2 में है, ओरल लिया जाता है। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रेपाग्लिनाइड इन्वॉल्व द प्रमोटिंग इंसुलिन रिलीज, क्या कर रहा है ये इंसुलिन के रिलीज को प्रमोट करवा रहा है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन को निकलवाएगा फ्रॉम बीटा आइलेट सेल ऑफ द पैंक्रियास, पैंक्रियास के बीटा आइलेट सेल से ये बाहर निकलवाने में हेल्प करेगा। आगे आए केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, कोर्स में नहीं है बट देखते हैं। देखो बेंजोइक एसिड पकड़ लो, बेंजोइक एसिड देख लो, ये रहा बेंजोइक एसिड, ये है बेंजोइक एसिड। अब इसमें क्या लगा हुआ, 1-2-3-4, 4 में आ जाओ तो 1-2, ठीक है, 2 के उसमें आ जाओ तो यहां पे जरा चेंज देखिए हम लोग, 1-2-3 और 4, ठीक है ना, इसके इसमें आ जाओ तो 1 और 2, फिर 2 पे क्या लगी हुई है, यल चेन लगी हुई है, ठीक है। तो देखो E पहले आता है तो यहां पर इसको निपटा दिया, C और C, ये इथॉक्सी हो गया 2 इथॉक्सी, फिर इसके 4 पे
फोर के फिर टू पर, टू के फिर थ्री पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है और जुड़ा देखते हैं ये वन से जुड़ा हुआ है, फिर वन के ही जो चेन लगी है उसके टू पर, टू पर क्या लगा हुआ पिप्रिडीन, ये पिप्रिडीन किससे जुड़ा हुआ है वन से जुड़ा हुआ है, तो वन आई, और ये खुद क्या है फिनाइल, फिर ये क्या है ब्यूटाइल, वन टू थ्री फोर ये क्या हो गया ब्यूटाइल, और यहाँ क्या लगा हुआ अमीनो, ठीक है ना, टू ऑक्सी इथाइल, ठीक है ना, टू पे क्या लग गया है ठीक है टू ऑक्सो इथाइल, टू ऑक्सो इथाइल बेंजोइक एसिड ये इसका नाम आ गया, क्लियर है, समझ में आ रही है। यूज की बात करें टाइप टू है, स्टेबिलिटी सेम है, फॉर्मुलेशन टैबलेट और कैप्सूल है, ब्रांड नेम्स याद करने हैं यूरेपा, यूरेपा एमएफ, नोवानॉर्म और रेगान, क्लियर है, नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, ग्लिफ्लोजिन्स, ठीक है ना, इस ग्लिफ्लोजिन्स को एक और नाम बोलते हैं SGLT2, SGLT2 क्या नाम है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, क्यों बोला गया इसको ऐसा, आओ देखते हैं, इनहिबिटर्स इनको क्या करेगा, ये इनहिबिट करते हैं, इसीलिए इसका नाम ये पड़ा हुआ है, आल्सो कॉल इन्हीं को हम लोग ग्लिफ्लोजिन्स कह देते हैं, ठीक है, आर क्लास ऑफ मेडिकेशन दैट आल्टर एसेंशियल फिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है ना, ये नेफ्रॉन पूरा चैप्टर पढ़ा था हमने किडनी के बारे में, नेफ्रॉन क्या होते हैं याद है ना, गुड, उसकी फिजियोलॉजी उसके काम करने के तरीके को भी बदल देते हैं, क्या करते हैं, दिस फार्मास्यूटिकल क्लास इनहिबिट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, हमने देखा था नेफ्रॉन के जो पहले ग्लोबुलस वाला पार्ट था पीसीटी में बहुत सारा ग्लूकोज वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता था, ये क्या करेगा उस रीएब्जॉर्प्शन को रोक देगा जिससे कि बॉडी ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो पेशाब के रास्ते टॉयलेट के रास्ते क्या हो जाए बाहर निकल जाए, ठीक है ना, तो ये पार्ट उन बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा जिन्होंने कौन सा डायबिटिक वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया, ओके, दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन 2, ठीक है ना, उसको रोक देते हैं, इट आल्सो प्रोवाइड सिग्निफिकेंट कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट इन टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उसमें भी ये काफी ज्यादा क्या करते हैं हेल्प कर देते हैं, ओके, केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो आओ देखते हैं, काफी लंबा चौड़ा नाम है इसका, ट्राईऑल अल्कोहल है तो ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, ये देखो एक अल्कोहल, दो अल्कोहल, तीन अल्कोहल, अल्कोहल को प्रायोरिटी में रखते हैं तो ट्राईऑल कर दिया यहाँ पर, नाम देखते हैं इसके, ओके, तो थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, ठीक है, तो थ्री फोर फाइव ट्राईऑल, और क्या है ऑक्सेन, ठीक है ना, एक दो तीन चार पांच छह, अब देखो यहां पर क्या है ये सी लगा हुआ है दिस इज मिथेनॉल, तो ये क्या हो जाएगा हाइड्रोक्सी मिथाइल, है ना, वैसे तो मिथेनॉल पढ़ा जाता है लेकिन प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी मिथाइल इसका नाम आ जाएगा, किस पे लगा हुआ है छे पे लगा हुआ है, तो इतना नाम समझ में आ गया, सिक्स पे क्या लगा हुआ है हाइड्रोक्सी मिथाइल, और ये पूरा पार्ट क्या है ऑक्सेन, ठीक है, इसको ऑक्सेन बोला गया, ओ लगा हुआ है तो ये पार्ट ऑक्सेन हो गया, ये बीच का बोला ऑक्सेन हो गया, ऑक्सेन में थ्री फोर फाइव पे क्या लगा हुआ है अल्कोहल लगे हुए, अब इसके टू पे एक चेन है, वन टू थ्री, थ्री पे फिर एक चेन है, ठीक है, और उसके फिर एक यहां पर क्या है चेन आएगी, और यहां पर वन टू थ्री और फोर फिर एक चेन आ जाएगी, क्लियर है, तो आओ देखते हैं यहां पर क्या है हमारे पास, टू पर एक चेन है, उसके थ्री पर एक चेन है, थ्री के फाइव, ओके, फाइव और फाइव, ओके, तो ये आ जाएगा वन टू थ्री फोर और फाइव, फाइव पर फिर एक चेन है, उसके वन टू थ्री फोर, फोर पे क्या है फ्लोरो है, तो चेन पकड़ पा रहे हो किस तरह चेन के अंदर चेन घुस रहे हैं हम लोग, ये तरीका होता है चेन के अंदर चेन पकड़ने का, ठीक है, देन थायोफीन, ये थायोफीन आ गया और टू से जुड़ा हुआ तो टू आई, देन ये एक सी है तो इसका मिथाइल लग गया, फिर इसके आ जाते हैं वन टू थ्री फोर, फोर पे क्या लगा हुआ है फोर मिथाइल, और ये बाधा की पूरा क्या है फिनाइल, है ना, ये बाधा की पूरा क्या है फिनाइल हो गया, और बाधा के अंदर बताया गया सिक्स पे क्या लिखा हुआ है हाइड्रोक्सी मिथाइल ऑक्सीजन थ्री फोर फाइव ट्राईऑल, क्लियर है, मजेदार चीज तो यही होती है समझने समझाने वाली, बाद तो रटनी है आपको, यूज की बात करें यूज टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज, स्टेबिलिटी स्टोरेज सेम है, फॉर्मुलेशन टैबलेट है, ब्रांड नेम डापाग्लिक्लोजिन फैक्सिजा जिकड्यूएक्सआर क्वेट्रेमेटएक्सआर, ठीक है ना, थोड़े से नाम अजीब है इसके, कोई बात नहीं हम पढ़ लेंगे, ओके आगे आते हैं,
7 ग्लिप्टिन, ठीक है, इनहिबिटर्स ऑफ डाइपेप्टाइल पेप्टाइडेज 4, DPP4 के इनहिबिटर होते हैं, अदर क्लास ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है ना, इसको इनहिबिट कर देते हैं ये, दे कैन बी यूज्ड टू ट्रीट डायबिटीज, अगेन टाइप 2 में काम आ रहे हैं ये। स्ट्रक्चर की बात करें तो अपने कोर्स में नहीं है, बट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना, 1 कीटोन, तो यहाँ पर कहें देखो फ्लोरीन फ्लोरीन अमीन कीटोन अमीन, है ना, तो कीटोन को प्रायोरिटी मिलती है, प्रायोरिटी ऑर्डर में तुम लोगों को लिखाऊंगा, ठीक है, तो तुम वहां से किसको आखिरी में रखना वो पकड़ लोगे, फिर तो चेन बनाते हुए चले जाना, नाम आ जाएगा, है ना। कोशिश बच्चों यही करना, कोशिश ये करना कि स्ट्रक्चर याद करो, स्ट्रक्चर से नाम बनाना सीखो, तो तुम्हारे लिए ज्यादा आसान रहेगा, वरना क्या रहेगी चीजें थोड़ी दिक्कत आएंगी, नाम से स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो देखो क्या है, 1, 2, 3 और 4, तो ये तो ब्यूटेन 1 हो गया, खेल खत्म हो गया, ठीक है, ब्यूटेन 1 हो गया ये। अब देखो 4 पे क्या लगा हुआ है और 1 पे क्या लगा हुआ है, ठीक है, और 3 पे क्या लगा हुआ है, अमीनो ए आ गया, तो 3 अमीनो, 1 पे क्या लगा हुआ है, 1 के 3, यहां से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3 और 4, 5, 6, एक मिनट, 1, 2 ट्राइफ्लोरोमिथाइल, ओके, 3 पे क्या है ये, ट्राइफ्लोरोमिथाइल, 6, 8 डाइहाइड्रो, 5 पे एच, 1, 2, 4 ट्राइएजो, कहाँ चला गया, पाइरिडीन 7 आए, ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है ये खेल का, 6, 7 और 8, 6, 8 डाइहाइड्रो, यानी कि यहाँ पर क्या था एक्चुअली, जब देखोगे इसे गौर से तो यहाँ पर हाइड्रोजन की डबल बॉन्ड था, वो हट गया, सैचुरेशन आ गया, तो 6, 8 पे हाइड्रोजन जुड़ गया, तो डाइहाइड्रो, 5 पे भी डबल बॉन्ड था, खत्म हो गया, एच आगे तो 5H लिख दिया, लिखने का तरीके है ये, और 1, 2 और 4 पे ट्राई एजो, एजो मैंने बताया अभी, एजो मतलब नाइट्रोजन लगा हुआ है 1, 2 और 4 पर, देन 4, 3, 8, 4, 3 और 8 ये कॉमन बॉन्डिंग दिखा रहा है हम लोगों को यहाँ पर, देन पायराजीन 7I, 7 पर I लगा हुआ है, फिर आ रहे हैं 4 पर, तो इसके 4 पर आ रहे हैं बाहर वापस, अब इसकी बात कर लें तो 4 पे 1, 2, 3, 4 और 5, 2, 4, 5 ट्राइक्लोरो बाधा कंपाउंड क्या है, फिनाइल ब्यूटेन 1, क्लियर है, लंबे चौड़े नाम है, प्रैक्टिस करो मजा आएगा, ओके। यूज की बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज है, स्टेबिलिटी स्टोरेज सबका सेम है, फॉर्मुलेशन टैबलेट है, ब्रांड नेम की बात करें तो जेनयूबिया गैल्वस और ऑंग्लेजा के नाम से इनके अंदर ये कंपाउंड हमारे पाए जाते हैं, ठीक है, इनके ये नाम है सीटाग्लिप्टिन, ये कंपाउंड के नाम है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्या है, नेक्स्ट नहीं है कुछ, ओके कौन सा था ये, मैं ध्यान भी नहीं दिया कौन सा था, 7, अच्छा टोटल 8, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, पता नहीं चला चैप्टर खत्म हो गया, तो देखो लगा था क्या हो गया, तो उम्मीद कर रहा हूं, तो देखो मैं फिर कह रहा हूं, स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है, जो समझने वाला होता है, उसको अगर समझ लोगे तो चैप्टर में इंटरेस्ट बना रहेगा और उसको तुम्हें पढ़ने में मजा आएगा, लेकिन अगर वो स्टार्टिंग का बेस नहीं पता होगा तो क्या होगा, चैप्टर में अंदर बोल दे रहा टाइप टू क्या है, मतलब एक कंफ्यूजन सी बनी रहेगी। नॉमेनक्लेचर को भी काफी हद तक मैं क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ और इन सबके नाम में लिख करके वापस रिपीट करवा दूंगा, ठीक है, तुम लोगों को नॉमेनक्लेचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिलहाल क्या करना है, अभी रिवाइज करना है, लिख कर प्रैक्टिस करना है, कोशिश करो जब मैं पढ़ाता हूँ साथ साथ में ही लिखते हुए चलो, ठीक है ना। नोट्स डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं और तुम लोगों को क्या करना है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, ऑल द बेस्ट।